महाराष्ट्र के पालघर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 24 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये घटना नालासोपारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नीले मोरे गांव की है, जहां महिला ने आत्महत्या करने से पहले अपनी हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा था। उसकी हथेली पर लिखा था कि मैं ससुराल वालों के सताने व जलालत की वजह से खुदकुशी कर रही हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति, सास ससुर व ननद होंगे। मृतिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति सहित 4 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी पति व ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम संगीता कनौजिया है। काफी समय से उसे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे, इस कारण उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये बात जब संगीता के पिता मुन्नी लाल राज नारायण कनौजिया को पता चली तो वह तुरंत नालासोपारा पहुंचे। उन्होंने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि बेटी की शादी में जितना उनसे हुआ उतना दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद भी पति नितेश कुमार कनौजिया, सास आशा कनौजिया, ससुर शिव सेवक व ननद दहेज के लिए उसे तंग करते थे। उसकी बेटी को ठीक से खाना भी नहीं वहाँ पर मिलता था, जिसके कारण तंग आकर बेटी संगीता कनौजिया ने ये कदम उठाया। काम ठीक होना फिर उठाया मैं काम, जब खाट बोले कि इसके कौन भाई कहाँ बोले, वो ना सुबह बोला हूँ और सुबह लड़की का वो हो गया, फांसी लगा ली हमको, काहे भाई फांसी लगा ली, तब आज दिमाग से एकदम जन्म हो गया, जन्म हुआ तब फिर वहाँ से मैं आपके ऊपर बीत रही है, मैं समझ रहा हूँ। सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, इसे आप हत्या समझते हैं कि आत्महत्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? हाँ हत्या नहीं, हत्या किया गया, इसे आप हत्या की नज़र देखते हैं? हाँ, क्योंकि दहेज प्रथा में हत्या की है, उनको उसको सताया गया है, सास ससुर सताए, आदमी सताया, डेढ़ डेढ़ साल तक आदमी उससे बोला नहीं, चला नहीं, उसके पास क्या बीतेगी, हमारे पास क्या बीता, हम लड़की बता रही थी हमसे, लगता मार बताई, मार से बताई, हम कितना सबर करके हम उसको लड़की छूट गई थी।